गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आपका आर एस करियर इंस्टीट्यूट बायोलॉजी में आपका स्वागत है। और अपनी है जो इकोलॉजी यूनिट वो चल रही थी, तो उसमें हम आज बात करते हैं लेक्चर नंबर 8 की। तो अब देखो यहाँ पे, आप सबसे पहले आज अपन कुछ बात करते हैं प्रीडेटर एंड प्रे की। ये बस में जैसे प्रीडेटर मान लो कोई शिकार है और प्रे क्या है, जैसे मान लो यहाँ पे क्या है हिरन, ये बस में प्रीडेटर मान सकते हो आपकी कोई शेर है। तो उसमें हम बात करते हैं कि जैसे एक तो यहाँ पे ग्राफ बन रखा है, यहाँ से इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं आता, बस आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। यहाँ पे जैसे अपन ने क्या बना रखा है कि जैसे मान लो प्रीडेटर और प्रे का ग्राफ बनाया, इतनी बात समझ आ गई। तो यहाँ देखो अगर मान लो ये इधर से इधर अपन चलते हैं, तो सीधी सी बात है ऊपर की तरफ जाएंगे तो प्रीडेटर बढ़ेंगे, तो उसको अपन ने प्लस से लिख दिया। और इस लाइन से ओरिजिन की तरफ आएंगे तो प्रे कम होंगे, तो प्रे क्या लिख दिया माइनस। ऐसे ही साइड क्या होगा कि जैसे ये एरो नीचे की तरफ जा रहा है, इसका मतलब क्या है प्रीडेटर तो कम होंगे, और इस ओरिजिन से दूर जा रहा है इसका मतलब प्रे भी क्या होंगे कम, तो दोनों पे क्या आ गया माइनस। फिर नीचे वाले एरो का मतलब क्या हो गया कि जो नीचे गए अपन ये बस माई, तो यहाँ पे क्या होंगे प्रीडेटर तो कम होंगे क्योंकि नीचे जा रहे हैं, और देखो इस लाइन से ओरिजिन की तरफ जा रहे हैं इसलिए प्रे क्या होंगे बढ़ेंगे, इसलिए प्रे को लिख दिया अपन ने प्लस से। इस एरो का मतलब क्या है, ए से बी जाते हैं तब देखो ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो प्रीडेटर बढ़ेंगे, और ओरिजिन से दूर जा रहे हैं तो प्रे भी बढ़ेंगे, तो दोनों को क्या हो गया प्लस। तो बस आपको पता होना चाहिए कि रिप्रेजेंटेशन का तरीका क्या है ये, इस तरीके से। अब देखो यहाँ पे एक और बना रखा है, ये ग्राफ बना रखा है, तो ऐसा जब भी ग्राफ आ जाए आपको समझ जाना है कि वो किसका है प्रीडेटर और प्रे का, ये बस माई। तो इसमें देखो मैं बताता हूँ एक चीज़ यहाँ पे, कि यहाँ पे देखो प्रीडेटर जैसे जैसे ग्रोथ कर रहा है ये बस में, वैसे वैसे प्रे भी करेगा ये बस में। जैसे जैसे प्रे ज़्यादा हो रहे हैं नंबर, तो उनके साथ प्रीडेटर का भी नंबर क्या होगा ज़्यादा, ये बस में। और यहाँ पे देखो जैसे अब क्या होता है प्रीडेटर यहाँ पे ज़्यादा है, तो धीरे धीरे प्रे कम होने लग गया, फिर प्रे ज़्यादा होगा ये बस में, फिर धीरे धीरे वापस प्रीडेटर बढ़ने लग जाएगा। तो ये आपको पॉइंट पता होना चाहिए। इसके अलावा ऐसा भी ग्राफ आ सकता है कि जैसे प्रीडेटर का नंबर ज्यादा हो गया तो प्रे का क्या हो जाएगा कम, ये वैसे प्रीडेटर का नंबर अगर कम हो गया तो प्रे का नंबर क्या हो जाएगा ज्यादा, ये बस भाई। फिर क्या हो, प्रे का नंबर कम हो गया ये बस ही, यहाँ पे प्रीडेटर का नंबर बढ़ने लग जाएगा। तो ये बस में ये दोनों ग्राफ जब भी आ जाए तो आपको यही पॉइंट पता होना चाहिए किसका है प्रीडेटर और प्रे का, ये नेट में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इतनी बात समझ में आ गई। अब इसके बाद हम बात करते हैं अवॉइडिंग स्ट्रेटजी, ये बस है अवॉइडिंग स्ट्रेटजी। इसमें क्या होता है कि मान लो कोई है वो कैसे छुप सकता है, मतलब वो शिकार होने से कैसे बच सकता है, ये बस में वो अपने खुद की सेल्फ के लिए क्या कर सकता है। तो उसमें हम आप बात करते हैं किसकी, जैसे पहला है इसमें क्रिप्टिक कलरेशन। तो इसमें आपको ये याद रखना है कि कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या हो सकता है, अपना जो बैकग्राउंड कलर है उसमें मतलब उसकी उसमें हाइड हो जाएगा, ये बस में क्रिप्टिक कलरेशन का मतलब वो कलर की वजह से छुप जाएगा, क्रिप्टिक का मतलब होता है छुपना, तो वो अपने बैकग्राउंड कलर की वजह से क्या हो जाएगा हाइड हो जाएगा, ये बस में। इसके एग्जाम्पल क्या है, स्टिंग इंसेक्ट, इंसेक्ट बटरफ्लाई बोल सकते हैं, या फिर गिरगिट, ये बस में गिरगिट का दूसरा नाम क्या है ट्री लिजार्ड। अब गिरगिट आपको पता है ये जो गिरगिट होता है ये जैसे मान लो कहीं ब्राउन पेड़ पे बैठा ये बस में, तो उसका खुद का कलर कैसा हो जाएगा ब्राउन, तो वो छुप जाएगा, इसको अब कोई शिकार नहीं कर पाएगा, ये वैसे इसको कोई प्रे नहीं कर पाएगा। इसके अलावा ये जहाँ भी बैठा है जैसे मान लो ग्रासेस में बैठ गया, तो इसका कलर कैसा हो जाएगा ग्रीन, इसको क्या बोलते हैं क्रिप्टिक कलरेशन। इसके अलावा एक नाम हो रहा है यहाँ पे ए सिम्प्टोमेटिक, ये वैसे ए सिम्प्टोमेटिक, इसका मतलब क्या है कि ये अपने आप को एग्रेसिव दिखाने की कोशिश करेगा, ऐसे दिखाएगा कि मैं ही हूँ सब कुछ ये बस मैं, या फिर क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, ये खुद को क्या दिखाने की कोशिश करेगा ब्राइटर, ये बस है मतलब खुद को ऐसे डेंजरियस दिखाने की कोशिश करेगा, जो भी ऑर्गेनिज्म है जो बचना चाहता है। इसको आसानी से जो प्रीडेटर है वो देख सकता है, लेकिन प्रीडेटर इसको देख के क्या होगा डरेगा ये बस में, क्योंकि खुद को कैसे दिख रहा है अग्रेसिव कि मैं बहुत है खतरनाक हूँ। इसका एग्जाम्पल क्या है, लेडी बर्ड बीटल, ये बस में ये रेड कलर से होते हैं, इसको देखते हैं जब प्रीडेटर क्या होता है ऐसे लगता है उसको ये क्या है अग्रेसिव है, ये क्या है एक खतरनाक ऑर्गेनिज्म है, अपने इसका प्रे नहीं कर सकते। अब इसके बाद हम बात करते हैं मिमिक्री की, ये बस है मिमिक्री कि कोई किसी की कॉपी कर लेता है कि वो खुद बच सके, ये बस है इसको बोलते हैं मिमिक्री, ये बस है मतलब कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म है मान लो वो हार्मफुल है ये बस में, तो उसकी कॉपी कर ली अपन ने, तो प्रीडेटर को क्या लगेगा अपन भी क्या है हार्मफुल, तो वो अपन को शिकार नहीं करेगा। तो अब देखो मिमिक्री की बात करें तो मिमिक्री में दो टाइप के, मुलेरियन और बेटेशियन, ये बस में। और ये मिमिक्री नेट में बहुत बार पूछा हुआ है, ये बस है ये अवॉइडिंग स्ट्रेटजी है कि कैसे अपने आप को बचाया जा सकता है। तो अब देखो मुलेरियन में आपको क्या याद रखना है, इसमें जो मॉडल और मिमिक है वो दोनों क्या होते हैं हार्मफुल, ये बस में। अब पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि मॉडल क्या होता है और मिमिक क्या होता है, इतनी बस में। देखो मॉडल होता है कि मान लो अपन ने किसी की कॉपी करी ये बस में, तो जिसकी कॉपी करेंगे ना वो क्या होगा मॉडल, इतनी बस में आ गई। और मिमिक क्या होता है, जो कॉपी करता है
ये बस में दूसरे की कॉपी करता है, वो क्या हो गया मिमिक। तो इसमें देखो मॉडल है वो भी हार्मफुल है और मिमिक वो भी क्या है हार्मफुल, इतनी बात में आई। अब देखो मिमिक हार्मफुल है तो मॉडल हार्मफुल है, ये बात प्रीडेटर को अच्छे से पता है, प्रीडेटर मॉडल को नहीं खाएगा। लेकिन मिमिक हार्मफुल है ये बात प्रीडेटर को नहीं पता, ये बस में मिमिक हार्मफुल है ये प्रीडेटर को नहीं पता, है तो सही लेकिन उसको नहीं पता, इसलिए जो मिमिक है वो कॉपी कर लेता है किसकी, मॉडल की। और प्रीडेटर को लगता है ये जो मिमिक है ये जो ऑर्गेनिज्म है वो भी क्या है हार्मफुल, तो इसको नहीं खाते है। इसका एग्जाम्पल क्या है, रेड पोस्टमैन बटरफ्लाई और कॉमन पोस्टमैन बटरफ्लाई, दोनों ही हार्मफुल है लेकिन एक दूसरे की कॉपी करेगा। तो आपको मुलेरिन में यही पॉइंट ध्यान रखना है कि इसमें मॉडल और मिमिक दोनों हार्मफुल होते हैं। मॉडल क्या होता है जिसकी कॉपी करते हैं, और मिमिक क्या होता है जो कॉपी करता है। ये बस में मॉडल क्या होगा जिसकी कॉपी करते हैं, ये बस में जैसे ए बी की कॉपी करे तो बी क्या हो गया मॉडल, और मिमिक को मिमिक कौन होता है जो कॉपी करता है, जैसे ए बी की कॉपी करे तो ए क्या हो गया मिमिक, इतनी बात समझ आई। इसके अलावा मेडिसिन की बात करें तो मेडिसिन में भी मॉडल और मिमिक दोनों होंगे, और मॉडल हार्मफुल होगा ही, ये वैसे मॉडल हार्मफुल होना भी चाहिए और ये बात प्रीडेटर को पता भी होनी चाहिए। तो प्रीडेटर को ये बात अच्छे से पता है कि मॉडल क्या है हार्मफुल। अब जो मिमिक है वो क्या है हार्मलेस, मतलब वो खतरनाक नहीं है बिल्कुल भी, ये बस में। लेकिन वो क्या करता है, वो मॉडल की तरह कॉपी कर लेता है, मॉडल की तरह दिखने की कोशिश करता है, तो प्रीडेटर को ऐसे लगता है कि मिमिक क्या है हार्मफुल। लेकिन क्या एक्चुअली मिमिक हार्मफुल है क्या, नहीं है, क्या है हार्मलेस, इससे कोई भी नुकसान नहीं होता, लेकिन ये कॉपी किसकी कर लेता है मॉडल की, ये बस में आई। और खुद को कैसे दिखाएगा कि मैं क्या हूँ खतरनाक। तो आपको यही पॉइंट रखना है, मुलेरिन में तो मॉडल और मिमिक दोनों हार्मफुल होते हैं, मेडिटेशन में मॉडल हार्मफुल होता है लेकिन मिमिक हार्मफुल नहीं होता, ये बस में आई। इसके एग्जाम्पल क्या है, मोनार्क बटरफ्लाई और वाइस रॉय बटरफ्लाई। तो इसमें क्या है, जो मोनार्क बटरफ्लाई वो तो हार्मफुल होती है, जो वाइस रॉय बटरफ्लाई वो हार्मफुल नहीं होती, इसको बोलते हैं हार्मलेस। तो ये वाइस रॉय बटरफ्लाई क्या करती है, मोनार्क बटरफ्लाई की कॉपी कर लेती है, और जो प्रीडेटर जब वाइस रॉय बटरफ्लाई को देखता है तो उसको क्या लगता है, वाइस रॉय बटरफ्लाई भी क्या है खतरनाक, तो ये इसको नहीं खाता, इतनी बात समझ आई। तो ये तो है मिमिक्री की बात, दोनों के बारे में आपको एग्जाम्पल भी पता होने चाहिए और ये इनमें कौन कौन हार्मफुल होते हैं कौन हार्मफुल नहीं होता ये भी पता होना चाहिए, ये नेट में क्वेश्चन आता है। अब यहाँ पे नीचे एक पॉइंट लिख रखा है, फॉर सक्सेसफुल मिमिक्री, मतलब अगर अपन को किसी की अच्छे से कॉपी करनी है तो उसके लिए क्या क्या जो कंडीशन है वो होनी चाहिए। तो पहला पॉइंट ये है कि मॉडल नंबर है वो मिमिक से ज़्यादा होना चाहिए। पहली बात, मॉडल होता क्या है, जिसकी अपन कॉपी करते हैं, और मिमिक कौन होता है जो कॉपी करता है, ये बस में। जैसे मान लो ए ने बी की कॉपी करी तो बी क्या हो गया मॉडल और ए क्या हो गया मिमिक। तो इसमें देखो मॉडल का जो नंबर है वो ज़्यादा होना चाहिए मिमिक से, मतलब प्रीडेटर है ना, प्रीडेटर उसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या दिखने चाहिए मॉडल, तो उसका लगेगा जितने भी है यहाँ पे वो क्या है हार्मफुल, ये बस में। प्रीडेटर को ज़्यादा क्या दिखने चाहिए मॉडल, इसलिए मॉडल का नंबर क्या होना चाहिए ज़्यादा। फिर इसके अलावा क्या है, रिसोर्सेज ओवरलैप नहीं करने चाहिए, रिसोर्सेज मतलब उनका खाना। तो देखो अगर मान लो मॉडल और मिमिक है उन दोनों का जो खाना है वो सेम हुआ, तो या दोनों आपस में कंपटीशन करने लग जाएगी, तो दोनों का जो खाना है रिसोर्सेज है वो ओवरलैप नहीं करना चाहिए, इसका मतलब दोनों का क्या होना चाहिए रिसोर्सेज अलग अलग। इसके अलावा जो प्रीडेटर होता है ट्रेंड होना चाहिए, ट्रेंड का मतलब क्या हो गया कि प्रीडेटर को ये बात पता होना चाहिए कि जो मॉडल है वो क्या है हार्मफुल। अब मान लो उसको यही नहीं पता कि मॉडल हार्मफुल है तो फिर वो मॉडल को भी खा जाएगा, ये बस नहीं, तो मिमिक तो कहाँ से बचेगा। तो प्रीडेटर को अच्छे से पता होना चाहिए कि जो मॉडल है वो क्या है हार्मफुल है, अपन को इसको नहीं खाना। तो ये तीनों कंडीशन है, ये भी नेट में पूछी हुई है। इसके बाद हम बात करते हैं कि रिसोर्सेज पार्टनरशिप, ये बस में मतलब क्या हो कि दो स्पीसीज है वो ये चाहती है कि हम दोनों में कंपटीशन नहीं हो, हम दोनों में कंपटीशन नहीं हो, तो वो क्या करेगी अपने खाने का जो है अलग अलग कर लेगी। जैसे एक बोलेगी मैं स्मॉल सीड छोटा बीज खा लूंगी, दूसरी बोलेगी मैं बड़ा बीज खा लूंगी, तो इसको बोलते हैं रिसोर्सेज पार्टनरशिप, ये बस में। क्यों करते हैं ये, ताकि कंपटीशन दोनों के बीच नहीं हो। इसके अलावा यहाँ पे एक नाम हो जाएगा कंपिटेटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ऑफ गाउस, ये बस में। तो आपको ये पॉइंट पहला बताना चाहिए, कंपिटेटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल किसने दिया था, गाउस ने, ये बस में, ये नेट में क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसके अलावा ये होता क्या है कि अगर मान लो कोई एक स्ट्रॉन्ग स्पीसीज है वो दूसरे को क्या कर देगी वहां से एलिमिनेट, ये बस में, यही क्या है कंपिटेटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, और दिया किसने था, गाउस ने, ये बस में, ये नेट में क्वेश्चन पूछा है, ये आपको याद होना चाहिए। इसके अलावा देखो एक नाम लिख रखा है वार्बलर, ये बस में। इसने क्या हुआ था, इसमें क्या हुआ था कि ये क्या गया, वार्बलर ने ये बोला कि जो स्पीसीज है मान लो, ये बस में, वो क्या कर सकते हैं, या तो फूड हैबिट पर अलग अलग कर सकते हैं अपना फूड हैबिट, या फूड टाइम कर सकते हैं, या जोन कर सकते हैं, ये बस में। फूड हैबिट मान लो क्या हो गया कि कोई एक है वो बड़े सीड खाती है एक छोटी सीड खाती है, ये बस में, तो इस हिसाब से फूड हैबिट चेंज हो गया। फूड टाइम, एक चिड़िया बोलती है मैं सुबह खाऊंगी, दूसरी बोलती है मैं शाम को खाऊंगी, इसको बोलते हैं फूड टाइम, और टाइम के बेसिस पे अगर अपने अलग अलग कर दिया तो इसको बोलते हैं टेम्पोरल, ये
बस में इससे भी क्या होगा, कंपटीशन नहीं होगा, या जोन के बेसिस पे कि मैं नीचे वाले नीचे यहाँ तक खा लूंगी और तू ऊपर खा ले, ये बस में जोन के बेसिस पे अपन कंपटीशन को रोक सकते हैं। दो स्पीसीज के बीच कंपटीशन नहीं हो इसलिए अपन क्या करते हैं, ये सारी स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं। अब यहाँ पे एक पॉइंट है, ये बस में प्रोटोजोन के बारे में, ये बस में प्रोटोजोन के बारे में, तो प्रोटोजोन का यहाँ पे नाम दे रखा है पैरामीशियम। ये बस में पैरामीशियम के बारे में आपको कुछ पता होना चाहिए, जैसे पैरामीशियम की स्पीसीज है ओरेलियम कोडेटम और बर्सेरिया। ये बस में ओरेलम ओरेलिया कोडेटम और बर्सेरिया। अब देखो दो कंडीशंस है, वो दोनों आपको पता होने चाहिए। पहली बात, ओरेलिया और कोडेटम है वो दोनों किसको खाती है, बैक्टीरिया को, किसको खाती है, बैक्टीरिया को। और सेकंड कंडीशन आपको पता होनी चाहिए, जो बर्सेरिया है वो खाती है फंजाई को, किसको खाती है, फंजाई को। ट्रिक से याद रखते हो, ए बी सी मतलब ए और सी किसको खाते हैं, बैक्टीरिया को। एंटी क्राइम ब्यूरो, ये बस में ओरेलिया कोडेटम किसको खाएंगे, बैक्टीरिया को। और ये बी एफ याद रख सकते हो, बुरसेरिया किसको खाएगा, फंजाई को। अब देखो यहाँ पे एक कंडीशन तो ये होगी, इसके बारे में एक चीज़ और बताना चाहिए, जो ओरेलिया और कोडेटम है वो दोनों ऊपर रहती है, ये बस में मतलब वाटर में कहाँ रहेगी, ऊपर, ये बस में। और जो बुरसेरिया है वो कहाँ रहेगी, नीचे, ये बस में। तो दोनों चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ओरेलियम ओरेलिया और कोडेटम बैक्टीरिया को खाएगी, बुरसेरिया फंजाई को खाएगी, एक तो ये कंडीशन होगी। एक कंडीशन क्या होगी कि ओरेलिया और कोडेटम दोनों ऊपर रहती है, ये बस में, और बुरसेरिया कहाँ रहती है, नीचे। इतनी बस में आ गई। अब देखो इसके बाद मैं बताता हूँ कि ओरेलिया और कोडेटम है ये दोनों आपस में क्या है कि अगर आप कंपटीशन करते हैं ना, तो ओरेलिया के एक स्ट्रॉन्ग कंपिटीटर है, तो वो कोडेटम को हरा सकता है, उसको खत्म कर सकता है। इतनी बस में आ गई। तो पहली कंडीशन बात करते हैं कि जब ओरेलिया को अलग से ग्रोथ कराया तो ग्राफ एकदम अच्छा आया, ये बस में ऐसे ग्राफ आया। कोडेटम को जब अलग से कराया तो ग्राफ ऐसे आया, और जब ब्रुसेरिया को अकेले को ग्रो कराया तब ऐसे आया। तीनों को जब अलग अलग कराया तो ये बस में ये तीनों ग्राफ आप अलग अलग बना सकते हो। तीनों को जब अलोन अकेले ग्रोथ कराया कल्चर के अंदर, तो ओरेलियम की अच्छे से ग्रोथ हुई, कोडेटम की अच्छे से ग्रोथ हुई, ब्रुसेरिया की अच्छे से ग्रोथ हुई। अब मान लो अपने ओरेलिया और कोडेटम को साथ में ग्रोथ कराया, तो आपको पता है ओरेलिया और कोडेटम दोनों किसको खाते हैं, बैक्टीरिया को। तो दोनों में क्या होगा, कंपटीशन। और आपको मैंने पहले ही बता दिया ओरेलिया क्या है, हाईली कंपिटिटिव, वो कोडेटम की ग्रोथ को सप्रेस कर देगा। तो कोडेटम का ग्राफ देखो ऐसा आ गया और ओरेलिया का ग्राफ ऐसा आ गया, ओरेलिया ने क्या कर दिया यहाँ पे, एक्सप्लोटेशन। तो ये बात पता होनी चाहिए कि ओरेलिया और कोडेटम को अगर साथ में ग्रोथ करें तो ओरेलियम की तो अच्छे से ग्रोथ होगी, कोडेटम की ग्रोथ सप्रेस हो जाएगी, क्योंकि ओरेलिया क्या है, हाईली कंपिटिटिव। अब देखो मान लो ओरेलिया और बुरसेरिया को साथ में ग्रोथ कराया तो क्या होगा, तो देखो ओरेलिया बोलता है मैं तो भाई बैक्टीरिया खाता हूँ, बुरसेरिया बोलता है भाई मैं तो फंजाई खाता हूँ, तो दोनों का आपस में कोई कंपटीशन ही नहीं है, तो दोनों की क्या होगी, अच्छे से ग्रोथ। इतनी बस में आई। ऐसे ही मान लो अपन, ये बस में अगर ऐसे ही बुरसेरिया और कोडेटम की कराएं, साथ में ग्राफ बनाएं, तो वो भी दोनों अच्छे से आएंगे, ऐसे ही सेम आएंगे, क्योंकि वो क्या, कोडेटम क्या बोलता है भाई मैं तो बैक्टीरिया खाता हूँ, और बुरसेरिया क्या बोलता है भाई मैं तो फंजाई खाता हूँ, अपन को एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, अपन दोनों का ग्राफ कैसा आएगा, अच्छा। ये बस में दोनों की ग्रोथ क्या होगी, अच्छी। ये कंडीशन आपको मैंने बता दी है, ओरेलिया कहाँ रहता है, ऊपर, ये बस में। कोडेटम भी कहाँ रहता है, ऊपर, बुरसेरिया कहाँ रहता है, नीचे, ये बस में। तो ये आपको जो कंडीशन है वो अच्छे से आपको समझ में आनी चाहिए। यहाँ से सी पार्ट में 4 नंबर में क्वेश्चन आता है नेट के अंदर, तो ये आपको पता होना चाहिए। इतनी बस में आ गई। तो आज अपन इतना ही पढ़ेंगे, तो अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब आर एस करियन इंस्टीट्यूट बायोलॉजी, एंड थैंक यू बच्चों।